चलो बच्चों, स्टैंडर्ड 7 मैथ सबसेट। आज हम देखेंगे प्रॉब्लम सेट 20। प्रॉब्लम सेट 20 में लास्ट टाइम जो सिखाया गया है लिनियर पेयर, अपोजिट एंगल, उसके प्रॉपर्टीज के ऊपर ये प्रॉब्लम सेट है। तुम लोगों को पता है जो लिनियर पेयर के एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 आता है। लीनियर पेयर मतलब क्या कि ये समझो ये लीनियर पेयर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है, जिनका सम हमेशा क्या आ जाएगा, 180। लीनियर पेयर का मतलब ये है वो एक लाइन में दोनों एंगल होते हैं और उनका सम हमेशा 180 आता है। अभी ये जो फर्स्ट सम है प्रैक्टिस सेट 20 का, मैं पढ़ के बताती हूँ। लाइन एसी मतलब ये लाइन एसी एंड लाइन बीडी इंटरसेक्ट पॉइंट बी, मेजरमेंट एपीडी का तुम लोगों को दिया है 47। तुम लोगों को ए पी बी, एंगल बी पी सी, एंगल डी पी सी, इन तीनों के मेजरमेंट निकालने हैं। तो देखो सबसे पहले ये जो है उन्होंने दिया हुआ ए पी डी मतलब ये और ये ए पी बी, अगर मैं यहाँ पे हाथ रख देती हूँ, देखो ये लीनियर पेयर हो गए बराबर, इसका मतलब इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, 180। हमको एक का पता है 47, मतलब ए पी डी प्लस ए पी बी इज इक्वल टू 180। हमें रीजन लिखना है क्योंकि वो लीनियर पेयर एंगल है। ए पी डी का मेजरमेंट 47, एपीबी हमको पता नहीं है, यहाँ पे आप एक्स भी लिख सकते हैं या एपीबी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 180, ये 47 क्या हो जाएंगे, माइनस, तो एंगल एपीबी का मेजरमेंट कितना आ गया, 133, इन दोनों का माइनस करके। अभी देखो मैंने बताया था ये जो अपोजिट एंगल होते हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट, लेफ्ट साइड राइट साइड, उसी तरह से अप एंड डाउन में जो होते हैं वो भी एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट एंगल, और अपोजिट एंगल हमेशा क्या हो जाते हैं, सेम इक्वल होते हैं। तो ए पी बी का अपोजिट एंगल है डी पी सी, ये ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल हो गए। अगर इसका मेजरमेंट 133 है तो इसका भी मेजरमेंट कितना हो गया, 133। उसी तरह से ए पी डी एंड बी पी सी, मतलब ए एंगल और ये यहाँ का एंगल, मतलब लेफ्ट एंड राइट, ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट। इसीलिए अगर ए पी डी 47 है तो बीपीसी भी क्या हो जाएगा, 47, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ एपीडी। समझ में आया। अभी सेकंड सम देखो, सेम प्रोसेस है, पीएमआर तुमको एक्स दिया है फिर से, और फिर से इन तीनों का मेजरमेंट तुमको निकालना है, मतलब ये एंगल पीएमएस, ये एंगल एसएमक्यू और ये आरएमक्यू, तीनों का। अभी पीएमआर कितना दिया है, एक्स, ये एक्स है इसीलिए इसका अपोजिट एंगल ये हो गया एस एम क्यू, तो एस एम क्यू भी कितना हो गया, एक्स, क्योंकि अपोजिट एंगल। उसी तरह से ये देखो, ये पी एम आर एंड पी एम एस, ये क्या हो गया, लीनियर पेयर, तो दोनों की प्लस कितनी हो गई, 180। हमको एक का मेजरमेंट एक्स दिया है, पी एम एस का मेजरमेंट पता नहीं, मैंने पी एम एस से लिखा है 180, तो पी एम एस इज इक्वल टू 180, ये एक्स क्या हो गया, माइनस, तो पीएमएस का मेजरमेंट आ गया 180 माइनस एक्स, तो पीएमएस का अपोजिट एंगल है आरएमक्यू, तो आरएमक्यू भी कितना हो गया, 180 माइनस एक्स। प्रॉब्लम सेट 20 में दो ही सम्स है और ये लीनियर पेयर और अपोजिट एंगल के प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड है। अच्छी तरह से समझ लो।